हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा अता वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में आपको वर्गीकरण तथा वर्गीकरण की आवश्यकता, टैक्सा, जाति, वर्गीय संवर्ग, इन सब के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने जीव विज्ञान की शाखाएँ जैसे जूलॉजी, बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान तथा कह सकते हैं द्विनाम पद्धति के संदर्भ में कैरोलस लिनियस और द्विनाम पद्धति कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, उसके बारे में अध्ययन किए थे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आइए देखते हैं वर्गीकरण और वर्गीकरण की आवश्यकता। तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं इसमें क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव उपस्थित हैं जो विभिन्न प्रकार की आकृति वाले तथा विभिन्न क्रियाकलापों वाले होते हैं। स्टूडेंट आप इतना जानते ही हैं, देखे हैं कि हमारे चारों तरफ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हम विभिन्न प्रकार के जीव देखते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, सरीसृप जो भी हैं, सर्प है, मेंढक इत्यादि जीवों को देख रहे हैं जिनकी आकृति अलग अलग है और उनके क्रियाकलाप भी अलग अलग हैं। तो इन जीवों के अध्ययन के लिए स्टूडेंट, तो इन जीवों को हमको अध्ययन करना है तो हम सबसे पहले इनको कैटेगराइज करेंगे, अर्थात इनके कुछ लक्षणों के आधार पर, क्रियाकलापों के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर इनको हम अलग अलग समूहों में, वर्गों में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो अगर हम अलग अलग समूहों में न बांटें तो हमको प्रत्येक जीव का अध्ययन करना होगा, प्रत्येक जीव के बारे में जानकारी के लिए प्रत्येक जीव का अध्ययन करना होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग समूहों में बांट लेते हैं, वर्गों में बांट लेते हैं, तो उस वर्ग के किसी एक जीव का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो हमको उस वर्ग के सभी जीवों या उस समूह के सभी जीवों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट आप एक लाइन का वर्ड जानिए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई है, तो अध्ययन की सुविधा के लिए। स्टूडेंट जैसे आपको कोई बायो पढ़ता है, कोई मैथ पढ़ता है, तो ये अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग, अगर उसी में बायो भी चले, मैथ भी चले, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट या कठिनाई सामने आएगी। तो इसके संदर्भ कह सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे अध्ययन की सुविधा के लिए ही आपको भी अलग अलग क्लासों में, वर्गों में, जैसे जीव विज्ञान है तो मैथ है, आपका आर्ट साइंस है, कॉमर्स है, अध्ययन की सुविधा के लिए ही अलग अलग वर्ग का निर्माण किया गया है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर, तो ये बोला जा रहा है आपको कि विभिन्न प्रकार की आकृति वाले तथा विभिन्न क्रियाकलापों वाले होते हैं, इन जीवों का अध्ययन करना एक साथ असंभव है। स्टूडेंट हम प्रत्येक जीव का अगर अध्ययन करने लगे तो ये नहीं हो पाएगा कि हम सभी जीवों का बारी बारी से अध्ययन करते रहें। तो इस प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को उनके शारीरिक बनावट और क्रियाकलापों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसे आप वर्गीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, वर्गीकरण क्या है? कह सकते हैं कि वर्गीकरण के अंतर्गत अनेकों जीवों को उनके क्रियाकलापों और अलग उनके शारीरिक बनावटों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उसी को आप वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन के लिए जीवों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया, सॉरी, इस प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए, यहाँ अध्ययन की सुविधा, स्टूडेंट यहाँ आप नोट करेंगे, तो वर्गीकरण क्यों किया गया है या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो इसका एक लाइन का आंसर है स्टूडेंट, अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा के लिए ही जीवों का वर्गीकरण किया गया है। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे टैक्सा। टैक्सा एक वर्ड है जिसको हम कुछ भी नाम ले लें, जैसे एक कुर्सी है, मेज है, ठीक, जिससे भी, जंतु है, वनस्पति है, कुत्ता है, बिल्ली है, वही वर्ड क्या कहलाता है, टैक्सा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, वर्गीकरण के दौरान जीवों को अनेक दृश्यों, गुणों के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है कि वह जीव हमको कैसा दिखता है। उस देखने के आधार पर ही हम, जैसे पौधा है, पौधे उसको देखकर ही बता देंगे कि पौधा है, उसके अंदर हमें कुछ कह सकते हैं
डिस्कवर खोजने की आवश्यकता नहीं है कि उसका क्रियाकलाप क्या है, कैसे है, केवल देखकर। तो कुछ जीवों को, या कह सकते हैं जीवों को उनके दृश्य गुणों के आधार पर केवल देखकर ही हम वर्गीकृत कर लेते हैं। तो कह रहा है कि जैसे हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता बिल्ली अथवा कीटों को सरलता से पहचान लेते हैं, तो केवल देखकर उनके दृश्य पर, जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के गुण आते हैं, जिसे वैज्ञानिक संबद्धता उस वर्ग से होता है। तो इसको ध्यान दें, कोई व्यक्ति बोले कि ये कुर्सी कुर्सी, तो कुर्सी से ही केवल बोलने से, शब्द से ही हमको पता चल जाता है कि कुर्सी व्यक्ति को बैठने का एक उपकरण है जहाँ पर व्यक्ति बैठता है। ठीक इसी तरह कोई बोल दे कि ये बिल्ली है, तो उसके माइंड में वैसे ही सोच आ जाती है कि नहीं, बिल्ली का दृश्य ऐसा है, बिल्ली देखने में इस तरह से होती है, इसका स्वभाव ऐसा होता है। कोई बोल दे कुत्ता, तो कुत्ता कुत्ता का स्वभाव, कुत्ता के शरीर की संरचना हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। यही संरचना, यही स्वभाव, यही वर्ड स्टूडेंट कह सकते हैं एक प्रकार का क्या है, टैक्सा। तो टैक्सा एक वर्ड है जो हमको दृश्य रूप के रूप में बतलाता है कि जीव कौन से हैं। कोई बोल दे शेर, शेर का नाम सुनते ही स्टूडेंट हम जान जाते हैं कि शेर की दृश्य क्या है, शारीरिक बनावट कैसी है, क्या है, तो उसी वर्ड को बोलते हैं टैक्सा। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे वर्ग की संवर्ग। स्टूडेंट ध्यान दें, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। स्टूडेंट ध्यान दें, एकल सोपान प्रक्रम का मतलब कोई एक वर्ड नहीं है, वो क्रम से लिया जाता है, कई पदों में चलता है। जैसे सर्वप्रथम किंगडम, कि वो किस जगत का है, फिर फाइलम किस संघ का है, फिर क्लास किस वर्ग का है, किस ऑर्डर का है, गण का है, फिर उसका वंश क्या है, उसकी जाति क्या है। तो कुल मिला जुला के इन सबको एक क्रम में रखेंगे तो वो पदानुक्रम बन जाता है, एक क्रम बन जाता है। ऐसा इसमें नहीं है कि कोई एक वर्ड होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, कह रहे हैं जो वर्ग की संवर्ग है, जो वर्ग की संवर्ग है। तो स्टूडेंट जो ये वर्ग की संवर्ग है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक पद नहीं है, कोई एक क्रम नहीं है, कह सकते हैं वो पदानुक्रम है, उसमें एक पद कई क्रम में चल रहे हैं। या कह सकते हैं स्टूडेंट, अभी आपको बताया गया जैसे जगत किंगडम फाइलम संघ, फिर वर्ग क्लास, उसके बाद आर्डर गण, फिर वंश, फिर जाति, तो इस तरह से एक पदानुक्रम है। तो उसी को ये परिभाषित किया जा रहा है कि वर्ग की संवर्ग है क्या। तो वर्गीकरण में कई ठे वर्ग हैं, एज ए समवर्ग, वर्ग के साथ कई ठे, तो समवर्ग। तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पर अथवा वर्ग पद प्रदर्शित करता है, प्रत्येक सोपान पर अथवा वर्ग पर प्रदर्शित करता है। तो कह सकते हैं सोपान एक प्रकार का वर्ग है, जो वर्ड जो आ रहा है उसको प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त समिति व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। समिति व्यवस्था का मतलब कई, वहीं आपको बताया गया जैसे फाइलम है, वर्ग है, गण हैं, सब मिलाकर, इसलिए उसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। तो स्टूडेंट आप शॉर्ट में जानिए कि वर्ग की संवर्ग में कोई एक पद नहीं है, कई पद सम्मिलित हैं, जिसे पदानुक्रम सोपान कहते हैं, क्रम से सब आते हैं, उसे कहते हैं वर्ग की संवर्ग। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, वास्तव में यह एक पथ को दिखाता है जिसे वर्गक या टैक्सान कहते हैं। स्टूडेंट आगे आप टैक्सा जो पढ़े हैं वर्ग, टैक्सा एक वर्ड है, तो यहाँ पर एक टैक्सान वर्गक या टैक्सान वर्ड आ गया। तो कह रहे हैं एक पथ या एक वर्ग, जो हमने चार पांच ठे लिया है कि ये किंगडम है, फाइलम है, क्लॉस है, ऑर्डर है, जीनस है, तो उसमें से एक पथ, जो चाहे ऑर्डर ले लीजिए, चाहे क्लॉस ले लीजिए, उसमें से सिर्फ एक पद को ही आप बोल सकते हैं कि टैक्सान।
तो एक पद या कह सकते हैं या एक पथ को दिखाता है कि किस ऑर्डर का है। स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंढक किस वर्ग का है, तो स्टूडेंट आप कहेंगे एम्फीबिया। सर्प किस वर्ग का है, आप कहेंगे सरीसृप रिप्टाइल। ऐसे मनुष्य किस वर्ग का है, तो आप कहेंगे मैमल्स। तो यह जो एक वर्ण एक पथ है वही आपका वर्गक या टेक्सान होता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको बताया गया वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेक्सा वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए। वर्ग की संवर्ग भी आप जानिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वर्गीकरण और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है जीव को या क्यों किया गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको इतना ही, अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।